भाई गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आपको पता है कि अपना ये जो सेशन चल रहा है, पहली बात तो ये दिमाग में रखिएगा, जो मेरे डेली फ्री सेशन अन एकेडमी पे हो रहे हैं बच्चे, वो सुबह 9 बजे क्लास होगी आज भी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सुबह 9 बजे अन एकेडमी की फ्री लाइव क्लास होगी, 2 घंटे का मैराथन है। ठीक है, 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करिए और ये रात को 10:30 बजे साइंस का जो सेशन होता है, फ्री सेशन है ये दोनों के दोनों, और बीच में एक 4 बजे होता है। ठीक है, तो अभी 9 बजे जुड़िएगा। मेरा प्रोफाइल है अन एकेडमी पे, अमनदीप शर्मा नाम से आप सर्च करें और फॉलो करें अन एकेडमी पे, जिससे कि आपको जल्दी से लिंक मिल जाए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन करें। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। सुबह 6 बजे जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ बच्चे, ये सुबह 6 बजे वाला कंटेंट किस लिए है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें याद नहीं होती। अगर मैं बल्क में पढ़ूँ, अगर मैं बल्क में सभी गवर्नर जनरल पढ़ने लगूँगा तो मुझे याद नहीं होगा। कोई गवर्नर जनरल की कुछ स्पेसिफिकेशन है जो हमें भूल जाएंगे, किसी का मिक्स हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल अलग से पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने गवर्नर जनरल की सीरीज स्टार्ट करी है, वाइसरॉय गवर्नर जनरल की सीरीज, जो कि हम करने वाले हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कंटिन्यू। कल हमने शायद कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा था, आज हम रॉबर्ट क्लिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, रॉबर्ट क्लिव के बारे में पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, रॉबर्ट क्लिव के बारे में पढ़ेंगे। एक बार ही सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर करेगा, जिससे कि सभी के सभी देख सके इस सेशन को। ये सेशन को एक बार ही शेयर करेगा। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अब रॉबर्ट क्लिव कौन है? ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, इनका ईयर 1757 से लेके 1760 तक चला। ठीक है, पहला 1757 से लेके, ठीक है, 1760 तक चला, और उसके बाद इनको थोड़ा सा ब्रेक मिलने के बाद 1765 से लेके 1767 तक चला। ठीक है, अब ये ब्रेक क्या किस लिए हुआ था ये भी बताएंगे, रॉबर्ट क्लिव है कौन ये भी बताएंगे। देखिए, मैं आपको सीधा बता सकता हूँ एक शब्द में रॉबर्ट क्लिव को, कि भारत में जो सुप्रीमेसी जो ब्रिटिशर्स की हुई है वो रॉबर्ट क्लिव की वजह से हुई है। ठीक है, रॉबर्ट क्लिव की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया था वन एंड ओनली लोकेशन ऑफ इंडिया, नाम बंगाल। ठीक है, बंगाल को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने सब कुछ जीत लिया था, तो रॉबर्ट क्लीव किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंगाल को इन्होंने ही जीता था। अब कैसे जीता था इसको भी समझते हैं, बंगाल में कैसे विजेता हासिल करी, विक्ट्री कैसे हुई, कौन सी वॉर हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी क्या है, कौन से वर्ष में हुई, बंगाल के कौन नवाब थे, ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड है, सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ईयर याद रखें रॉबर्ट क्लीव से रिलेटेड। शक्ल देखिए, रॉबर्ट क्लीव इज, देखिए फोटो आपके सामने इमेज फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि भैया है कौन रॉबर्ट क्लीव। दिस इज रॉबर्ट क्लीव, दिमाग में रखिएगा, रॉबर्ट क्लीव है, जिसकी इमेज आप सभी के सामने है। ठीक है, फोटो आप सभी के सामने है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लीव ने क्या है, बंगाल पे विजेता ली थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला सवाल क्या है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लीव आंसर होगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, रॉबर्ट क्लीव आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना, दो सवाल में फर्क है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, आंसर रॉबर्ट क्लीव है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बंगाल, हु वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बंगाल, अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बंगाल, तो एसपी सिन्हा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, एसपी सिन्हा आंसर होगा। ठीक है, एसपी सिन्हा आंसर होगा, ये भी पूछा जाता है, एसपी सिन्हा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहली बात तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लीव है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बंगाल एसपी सिन्हा है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन दोनों में से कोई भी नहीं, दिमाग में रखना। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब ये बंगाल के गवर्नर कैसे बने और इन्होंने कैसे विजेता हासिल करी, तो उसको समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ना ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया था। भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को 1765 में स्टार्ट किया गया, और पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे आप सभी के सभी, मैं बता भी देता हूँ आपको। बंगाल में सबसे पहली बार क्या है, दोहरी
ठीक है, सरकार जो है चलाई गई, दोहरी सरकार चलाई गई, स्टार्टेड द ड्यूअल गवर्नमेंट। किसने स्टार्ट करी तो दिमाग में रखिएगा, रॉबर्ट क्लीव के द्वारा ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया था 1765 में। और पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट कहाँ पे आई थी, बंगाल में आई थी। ठीक है, पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट कहाँ पे आई थी, बंगाल में आई थी। अब कैसे ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में आई तो दिमाग में रखिएगा, ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है कि एक तरफ ब्रिटिशर्स का राज होगा, ठीक है, एक तरफ ब्रिटिशर्स का राज होगा, ठीक है, असली राज इन्हीं का होगा, और दूसरी तरफ जो नवाब होगा, जो भी नवाब होगा, ठीक है, जो भी नवाब होगा उसका भी राज होगा, लेकिन इसका राज जो होगा सिर्फ काम करने के लिए। ठीक है, एक्चुअल किंगशिप किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास, और एक तरीके से पपेट की तरह, एक तरीके से गुलाम की तरह काम करेंगे नवाब। ठीक है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नवाब और बंगाल के द्वारा ही स्टार्ट करवाया गया था, ब्रिटिशर्स ने बंगाल में ही स्टार्ट किया था। और किसने स्टार्ट करवाया था, रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव के द्वारा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल अगर बोला जाए तो रॉबर्ट क्लीव, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया जिसमें ब्रिटिशर्स नवाब अलग अलग काम करेंगे, ठीक है, दोनों का राज रहेगा, तो वो रॉबर्ट क्लीव ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे, बंगाल में स्टार्ट किया था, कौन से वर्ष में, 1765 में। एक ईमेल देखते हैं इससे संबंधित, ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का जो क्या बोलते हैं पत्र आया था, एक तरीके से साइन करना पड़ा था, नवाब जो थे उन्हें साइन करना पड़ा था, रॉबर्ट क्लीव ने ये साइन करवाया था नवाब और बंगाल से कि हम ड्यूअल गवर्नमेंट करने वाले हैं जिसमें हम भी राज करेंगे आप भी राज करोगे, ठीक है। तो ये उसकी इमेज है, एक पोर्ट्रेट है जो कि आपको पता होना चाहिए, इमेज भी दिखा दिए, ये नवाब ऑफ बंगाल उस समय के, और साथ के साथ ये रॉबर्ट क्लीव, ठीक है, जिसने ये साइन किया था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद, ही वाज द ब्रिटिश ऑफिसर हु एस्टेब्लिश द मिलिट्री एंड सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन द बंगाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सुप्रीमेसी बंगाल में है वो इन्होंने ही एस्टेब्लिश कर दी थी। अब कोई पूछे कि भैया किस वजह से, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम हो गई थी बंगाल में, तो उसके लिए पूरी एक बैटल हुई थी, दिमाग में रखिएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच में, किसके बीच में, सिराजुद्दौला वर्सेस द रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव। अब सिराजुद्दौला कौन थे बच्चे, ये नवाब ऑफ बंगाल थे, ये बहुत ना अरबी नवाब थे, कहने का मतलब ऐसे कि जो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने काउंटर किया ब्रिटिशर्स को, ठीक है, काउंटर किया ब्रिटिशर्स को, और अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव का क्या है, वॉर हुआ। ठीक है, और रॉबर्ट क्लीव ऑब्वियसली जीते थे, रॉबर्ट क्लीव ने हरा दिया था नवाब ऑफ बंगाल को, सिराजुद्दौला का। इसका कारण ये नहीं था कि क्या बोलते हैं, नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला थे बहुत वीक थे, ठीक, नवाब ऑफ बंगाल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही वॉज गुड रूलर, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन एक क्या बोलते हैं ना, ट्रेटर होता है, हर एक वॉर में एक ट्रेटर होता है, तो मीर जाफर थे। ठीक है, मीर जाफर जो थे, ठीक है, दिमाग में रखिए, मीर जाफर ट्रेटर थे, जो कि क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल हारे थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी की एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में पूछी जाती है, 23 जून 1757 पूछी जाती है, बैटल ऑफ प्लासी की जो एग्जैक्ट डेट है वो पूछी जाती है, तो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स थे जो कि जीते थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जीते थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी में नवाब की हेल्प किसने करी थी। ठीक है, फ्रेंच अलाइंस ने नवाब की हेल्प करी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जीते थे। और ये एक ईमेल दिखा रखी है, रॉबर्ट क्लीव द लॉर्ड क्लीव लेटर मीटिंग विद मीर जाफर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि ये मीर जाफर थे। ठीक है, मीर जाफर थे जिन्होंने क्या है, गद्दारी करी थी, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जीते थे। ठीक है, ये इमेजेस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे, जितना आप विजुलाइज करोगे चीज़ों को उतना ही आपको याद रहेगा। बैटल ऑफ प्लासी की डेट याद रखना, 23 जून 1757। अब जब बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लीव जीत गए, ब्रिटिशर्स का राज हो गया बंगाल के ऊपर, और साथ के साथ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया जिसको मीर जाफर ने अलाउ किया था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट क्लीव को एक नाम से जाने जाने लग गया, नाम क्या है, कॉन्करर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कॉन्करर ऑफ इंडिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लीव ने बंगाल पे विजेता हासिल करते ही पूरे देश पे विजेता हासिल कर ली थी। ठीक है, पूरा इंडिया कब्जे में आ गया था जब भी बंगाल कब्जे में आ गया, तो इसलिए कॉन्करर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लीव को कहा जाता है। सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड इज कॉल्ड द कॉन्करर ऑफ इंडिया? तो आंसर क्या होगा बच्चे, रॉबर्ट क्लीव ही आंसर होगा। कॉन्करर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लीव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बंगाल पे विजेता हासिल करी थी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बंगाल पे विजेता हासिल करी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका लेआउट बनाऊँ तो रॉबर्ट क्लीव के ऊपर, ठीक है, रॉबर्ट क्लीव के ऊपर अगर लेआउट बनाए तो, ठीक है, पहला तो ये है कॉन्करर ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने विजेता हासिल करी थी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया, इंडिया में भी पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ बंगाल ही नहीं कहा जाता, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल ही नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लीव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सेशन को एंड करते हैं, साथ के साथ इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, अभी मेरी ये 9 से 11 क्लास होने वाली है अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास, डेली फ्री सेशन जो होता है और रात को भी होता है। तो आप अनअकैडमी पे सर्च करें अमनदीप शर्मा, और साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो और अनअकैडमी इसको ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ इसी में आएंगी। अभी जैसे आज रॉबर्ट क्लीव करा तो कल मैं किसी वॉइसरों के बारे में पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है, अलग अलग से पढ़ोगे तो याद होंगी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो पीडीएफ के लिए, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। अभी मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में, जिसमें आपको मैं 2 घंटे क्या है जीके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 2 घंटे जीके पढ़ाने वाला हूँ। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, वेरी, देखिए ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज हमेशा 6 बजे आती है, 6 बजे 10 मिनट, 10 मिनट पढ़ाने का टारगेट बस ये है कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप देख लो और आपको याद रहे कि हाँ रॉबर्ट क्लीव से संबंधित यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप रॉबर्ट क्लीव से संबंधित बहुत कुछ पढ़ने लग जाओगे सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए ये 6 बजे वाला सेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, लिंक पिन कर देता हूँ हमेशा इस टेलीग्राम चैनल पर, तो डेली देखो एक बारी, ठीक है, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुबह 6 बजे वाला सेशन, तो करिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में सुबह 9 बजे, ओके बाय सभी।